Basically, 14111 is like a dream come true project for me. So, this concept is like 8 years of thought in my head and 7.5 months of execution of what you are actually watching it right now. This is like a baby project for me. After my graduation, I wanted to have some place like this. So, this is a speakeasy. Not actual speakeasy, but a casual speakeasy bar, which you don't have in the town right now. So yeah, it is like a dream come true. That's what I can say. वैसे तो मुंबई में काफी सारे क्लब हैं, गेट्स हैं, काफी सारे तो किस तरीके का मतलब इसकी एक अलग टीम एक आइडिया आपके दिमाग में है कि भाई और किस तरीके का एक्सपेक्टेशन है बाय ऑडियंस? सो बेसिकली ये थीम जो है वो एक स्पीक इजी बार जो रहता है, जो 1960 का जो प्रोहिबिशन एरा था अमेरिका में, तभी बहुत सारे इलीगल बार जो बेसमेंट में बने थे उनको स्पीक इजी बार ये टर्म दिया जाता था. सो वो बहुत बहुत कम है मुंबई में, ना के बराबर है. सो दैट इज़ द एंटायर कंसेप्ट दैट वी हैव ब्रॉट इट ओवर हियर. सो इट इज़ नॉट द एक्चुअल स्पीक इजी बार, बट इट इज़ more of a casual kind of concept. Yeah. And my audience, we would like to just mention, we want to target people young at heart, young at age, and you know, young in the terms of the element fun. Basically all the time. All the time. Whoever yes. wants to have fun, you can come here. We'll make sure that you guys have fun. Yes. Exactly. Thank you so much. The concept has a global fusion, crafted in a unique, fusionized way. So for that, you should have to come here to taste it, so you can have an idea what exactly and how great the cuisine. Okay. And they are very different types of cocktails, by the way. They are very unique, handcrafted cocktails by our mixologist over here. So I'm hoping that everybody over here who are watching this, please do come visit 1411 Bar and Kitchen at Bilipali. Thank you. Yes, thank you so much. Thank you. I congratulate the team of 1411 for this awesome place in Bilipali East. I think Bilipali East to 1411 की ज़रूरत थी. आई हैव बीन विजिटिंग देयर फर्स्ट ब्रांड ग्रीन हाउस फॉर मेनी ईयर्स. पार्ला की शान है और मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव कम अप विद दिस ब्यूटिफुल प्लेस एंड आई एम सून गोइंग टू टेस्ट द अमेजिंग फूड ओवर हियर. आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द क्विजीन ऑफ 1411. सो I request all the foodies to come and try 1411. The way they have maintained the class of greenhouse for so many years, I'm very sure that 1411 is going to be a step ahead. Thank you. Maharashtra मध्ये एक मराठी उद्योजक आपलं एक
विश्व निर्माण करतो आणि त्याच्यापैकी एक प्रमुख नाव म्हणजे मुकेश शिपूरकर आणि गौरी शिपूरकर. आज गेले अनेक वर्ष पार्ल्यामध्ये ग्रीन हाऊस नावाने त्यांचे रेस्टॉरंट, त्यांचं जेवण मुंबईभर प्रसिद्ध आहे. जेवणाकरता अख्ख्या मुंबईत ठाण्यात लोक इथे येतात आणि आज त्यांची ही भव्य मोठी वास्तू 1411 14 11 ही उभी राहिली आहे. आणि विशेषतः पार्ल्याच्या सगळ्या एकंदर वातावरणात एखादा 1411 सारखा असं एक रेस्टॉरंट उभं राहणं ही निश्चित एक गौरवास्पद गोष्ट आहे. आणि जो काही ॲम्बियन्स आणि नुसतं फूड तर आहेत, बाकी सगळ्या गोष्टी आहेत, पण 1411 अगदी मायन्यूटली केलेलं जे काही डिझायनिंग, इंटिरियर डिझायनिंग आहे ते बघायला जरूर या. एक फॅमिली रेस्टॉरंट एका मराठी माणसाचं, तुम्ही जरूर या. मी नेहमीच त्यांच्या आधीच्या रेस्टॉरंटला जेवायला यायचो, आता 1411 हा माझ्या एका कुटुंबातला भाग असल्यामुळे मुकेश आणि गौरीशला माझ्या प्रचंड शुभेच्छा आहेत. आणि असेच नवनवीन मराठी उद्योजक उभे राहिले, त्यांनी नवीन नवीन मुलांनी मुकेश शिपूरकर आणि गौरी शिपूरकर यांचा आदर्श ठेवला पाहिजे, त्यांच्याकडे बघितलं पाहिजे की शून्यातनं एक माणूस जेव्हा उभा राहतो आणि एवढं भव्य दिव्य एखादं स्वप्न पूर्ण करतो. मला असं वाटतं हे स्वप्न पूर्ण नाही तर ही स्वप्नाची सुरुवात आहे. त्यांना सगळ्यांना माझ्या खूप शुभेच्छा. बहुत अच्छा लग रहा है. मैं खुद पार्लेकर हूँ और इस जगह से, इस फैमिली से कई सालों से ताल्लुकात रखता आया हूँ और यहाँ के खाने से मैं वाकिफ हूँ. ये अभी रिनोवेट हुआ है, नया 1411 खुला है, लेकिन ग्रीन हाउस, उसके शेफ, उसका खाना कई सालों से खाता आ रहा हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे दोस्त और उसकी फैमिली एक ऐसा जॉइंट खोल रहे हैं. तो दुनिया भर से लोग यहाँ आएंगे, खाना खाएंगे, इस माहौल का लुफ्त उठाएंगे, मज़े करेंगे और भरपेट दुआएं देकर यहाँ से जाएंगे. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है. जय महाराष्ट्र. कौन पूछ रहा है भाई क्वेश्चन? तो कोई पूछो. देखिए मैं यहाँ पे आई हूँ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस पार्ला. इसमें इतना बड़ा, इतना ह्यूज रेस्टोरेंट खुला है, इट्स अ बिग थिंग. वैसे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं बट अभी तक मैं अंदर नहीं गई हूँ तो मैंने अंदर का इंटीरियर नहीं देखा, बट बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और आई एम श्योर अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत होगा और खाना और एम्बियंस और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. सो ऑल आई कैन से राइट नाउ ऑल द बेस्ट एंड ये जगह बहुत चले और हम लोग भी इसको बताएंगे सबको, अपने यू नो फैमिली फ्रेंड्स को कि प्लीज डू विजिट यहाँ. सॉरी मूडी पूड़ी यार, हमारे केस में पूड़ी तो नहीं हूँ क्योंकि हमें डाइट करनी पड़ती है, बट हाँ पंजाबी हूँ तो जब खाना खाती हूँ तो बहुत अच्छे से खाती हूँ. तो अच्छा खाना होना चाहिए, सिंपल हो या बहुत सारा स्टाइलिश हो, लेकिन खाना बहुत अच्छा होना चाहिए तो मज़ा आता है और पब्लिक भी वहीं जाती है जहाँ खाना अच्छा होता है. मानते हैं ना इस बात को, चाहे महंगा हो सस्ता हो खाना अच्छा होना चाहिए. आगे एक बाइट और दूंगी कि खाना कैसा लगा. बाई गॉड की कसम, थैंक यू. नाव होता 1411 झालेलं आहे, त्यामुळे खूप आनंदाची गोष्ट आहे आणि खूप छान ॲम्बियन्स आहे याचा. आणि मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी याचा आस्वाद घ्यायला पाहिजे आणि आमच्या मित्राचे हॉटेल आणखी जोरात चालेल. आमचे खूप सारे मित्र येत आहेत. सो 1411 यासाठी माझ्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा. अच्छा मेरे मेरे प्रोजेक्ट्स तो बहुत है. अभी प्रतिपद चंद्र आएगा तो तेजाब सरफर बहुत कब से काम कर रहा हूँ. सो ब्रोकन न्यूज़ अभी मेरी सीरियल आई है, जो वेब सीरीज है वो अभी सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है वो है और काफ़ी फिल्में हैं तो आएंगे. हेलो
1411 बहुत ही स्पेशल जगह है एंड पहले यहाँ पे ग्रीन हाउस जो रेस्टोरेंट था वहाँ से हमने इतना ज़्यादा खाना खाया है तो टेस्ट और टेस्ट में बेस्ट आई थिंक और अब वाइब पे भी बेस्ट हो गया है। बेस्ट आई थिंक विले पार्ले को जरूरत थी इतने एक सुंदर जगह की जहाँ पे आपको वाइब ऐसी मिले जहाँ पे पार्टी भी कर सकते हैं और होमली खाना भी मिले। और आई थिंक अब बैंगलोर जू से लोग विले पार्ले आएंगे जस्ट टू एक्सपीरियंस 1411। यस एंड अभी हमारा भी सबसे फेवरेट जॉइंट यही होने वाला है, हम अंधेरे से यहाँ आके पार्टी करने वाले हैं बिकॉज ये हमारे घर जैसा है। सो ऑल द बेस्ट टू गार्गी एंड सूर्या एंड टू दैट टीम। मेरे अभी 25 दोस्त और आने वाले हैं आज पार्टी करने एंड विल मेक श्योर कि हमेशा आते रहे एंड आज की फ्री की पार्टी नहीं पेड पार्टी भी करेंगे। अभी 3 दिन में नई न्यूज़ दूंगा मैं आपको। यस यस नहीं आनंद आप खुद ही मेरे को बोलोगे आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट बट अभी बहुत सारा म्यूजिक आ रहा है ऐश्वर्या के भी खुद के सिंगल्स आ रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव सतरंगा के लिए आप सबने जितना भी प्यार दिया है यस यू आर वेरी ग्रेटफुल। आप कितनी बार सुन रहे हैं सतरंगा? हम गाने रिलीज होने तक ही सुनते हैं, एक बार रिलीज हो जाता है उसके बाद जनता सुनती है फिर हम तारीफ सुनते हैं, अगर अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे तो आगे गाने बनाते हैं। नहीं हम अपना म्यूजिक क्योंकि हम जब गाना दे रहे होते हैं तो हमको भी मेक श्योर करना पड़ता है कि सब बेस्ट साउंड दे रहे हैं, हम अपने गाने भी बहुत सुनते हैं बट साइड बाय साइड क्या नया चल रहा है मार्केट में इंटरनेशनली वो भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। मैं अरिजीत सिंह को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ यस एंड सोनू निगम को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है टेलर स्विफ्ट है एड शीरन है उनके गाने भी बहुत सुनता हूँ। थैंक यू amazing experience. 1411 is holds a very special place in our hearts because it's not only the birthday of my husband but it's the dream which has come true. You know, there's a lot of efforts and a lot of commitment, perseverance which has gone behind this. It's almost, you must have heard Gaurish speaking, my son speaking, that it's like his dream which has come true. It's like 8 years of dream visualization which has come true. And I want, and this kind of experience you will not have anywhere in the suburb. So it's the place which you all should experience. Lot of good like efforts and good amount of efforts and long hours of working have gone to design you know the cuisines, different kind of fusions and you know the decor, so you can come experience and you know be happy. ना आई डोंट थिंक सो बिकॉज वो 8 साल की जो बात की इन्होंने उनमें से 7 साल मुझे इनको कन्विंस करने के लिए लगा कि एक मैं लिकर ओरिएंटेड प्लेस खोल रहा हूँ। अभी ये देखने के बाद वो ज़्यादा कन्विंस हो गई है, इवेंचुअली थोड़ा डिफिकल्ट था। So it's like, you know, I've never been to such place, but now that I'm experiencing it, I can vouch that you all will love it. So whoever Ideally. Is watching, yeah. Yes. Seems like. Thank you so much. वाइब्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं मिट्टी भाई का ही स्टूडेंट रहा हूँ तो पहले से हम लोग का एक था कि पार्ला ईस्ट में तो एक अच्छा लाउंज होना चाहिए जहाँ पे हम बैठ के चिल कर सके। सो आई थिंक फाइनली पार्ला ईस्ट इज अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पे सारे फ्रेंड्स आ सकते हैं, साथ में पार्टी कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। इट्स अ नाइस इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। सो थैंक यू फॉर भाई। नहीं जगह तो बहुत बढ़िया है यार, मतलब मैंने ऐसे मतलब मैं तो कांदिवली बोरिवली साइड वाला बंदा हूँ, पार्ला में इतनी अच्छी जगह, इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी है, हाईवे के पास है, एयरपोर्ट के पास में है, तो बहुत बढ़िया एम्बियंस रहा, तो बहुत ही कमाल का है। मतलब इसमें मैं सोचता हूँ कि बहुत ही कमाल का फीडबैक आएगा लोगों का। यस खास लगा इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हाईवे के पास भी है, स्टेशन भी है, आई थिंक एयरपोर्ट भी पास में है, मुंबई में ऐसा मिलता नहीं है ऐसी जगह।
और इतनी बढ़िया जगह ये बनाई है, ये बहुत बढ़िया। थैंक यू। मेरा करियर, मैं तो बहुत जवान हूँ और करियर अभी भी चालू ही है। म्यूज़िक नहीं, म्यूज़िक में 5 म्यूज़िक वीडियोस हो गए हैं, 150 लाइव शो। महेश भट्ट ने मेरा पहला गाना किया था, सुखविंदर सिंह के साथ 40 शो किए, खुद के 100 शो किए, अब मैं मूवी बना रहा हूँ उसमें। सो विजय साहब, गुड टाइम, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। मेरी माँ खुश है, मैं खुश हूँ, और आई लव इंडिया, दैट्स इट। एंड थैंक्स टू शाह कुरैशी माई ब्रदर। आ एक सामने आप तो आ सकते हैं सामने, दिस इज़ द मैन, द मैन ऑफ द आवर Right here, this is the one. Thank you for having us. हाँ? ऐसा लगता है इशान। शानो में actually बहुत पुराने दोस्त हमने साथ में होली भी किया था। हाँ, होली भी वन और दिवाली। Firecrackers, चक्रा, अनार, बहुत मजा आता है। It's a very good time. That's what. Yes, all the best to my friends and I wish the best to this place also. Thank you guys. Thank you media.